बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। डेहरी शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर निर्मल कुमार कुशवाहा के पुत्र डॉक्टर आनंद प्रकाश की सड़क हादसे के दौरान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर एक्सप्रेस पर दर्दनाक मौत पर उनके परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे जदयू सांसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने घटना को काफी दुखद बताया। उन्होंने कहा कि लगातार पार्टी के कार्यक्रम में उनका आना जाना हो रहा है, लेकिन इस घटना के कारण कई कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। वहीं उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी अड़े हत्थे ले लिया। नगर निकाय चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी एवं विकास विरोधी पार्टी है तथा षड्यंत्र के तहत बिहार के नगर निकाय चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सम्राट चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हर लोगों के बयान पर हमारी सरकार ध्यान नहीं देती, कौन क्या कहता है उसकी हम चिंता नहीं करते। मौके पर जदयू नेता शिवशंकर कुशवाहा, रिंकू सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम लोग को बहुत चीज देखने की फुर्सत नहीं रहती, इतना सारा काम है, उस काम में रुचि लेते हैं कि अब इधर उधर की बात में कहाँ रुचि लेंगे। आसाराम तो आज हम आए हैं अलग काम से, जो घटना घटी डॉक्टर निर्मल जी के यहाँ, उनके परिवार के कई लोगों की मौत हो गई, कार्यक्रम हमारा लगा हुआ था यहाँ पहले से, लेकिन उस कार्यक्रम को भी स्थगित किया हम लोगों ने, घटना ऐसी हो गई और उसी क्रम में आए हैं। शंकर जी से मुलाकात हुई है और लोग सब लोग एक दूसरे से मिलते रहे हैं, यहाँ भी इनसे मुलाकात हो गई। भाजपा का दोहरा चरित्र है, खाने का कुछ और अंदर का कुछ, सब लोगों को मालूम है भाजपा घोर आरक्षण विरोधी पार्टी, घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी, लेकिन दिखावे के लिए कुछ करती है कि वोट लेना है गरीबों से, चलो उनके पक्ष में कुछ बात करो। अभी जो नगर निकाय का चुनाव है उसके पीछे पूरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी है। जिस दिन यह कोर्ट का फैसला आया, आप पता कर लीजिएगा बीजेपी के जो नेता लोग हैं बिहार के, उनके घर में जश्न का माहौल था, चलो अच्छा हुआ तो घर में जश्न मनाएंगे, चलो आरक्षण रद्द हुआ तो बढ़िया हुआ, और बाहर में जनता को कहेंगे कि हम आरक्षण का समर्थन करते हैं। सब लोगों को मालूम है कि आरक्षण अगर किसी एक व्यक्ति के चलते बिहार में मिला है, खास के पंचायती राज मिला नगर निकाय में, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है, लोगों को मालूम है यह बात। लेकिन लगातार बहुत हो रहा है, लगातार करे या रुक रुक कर करे, उससे क्या फर्क पड़ता है, रुक रुक कर करे या लगातार करे, जनता को सब मालूम है, व्याकुल है लोग, वो कर रहे हैं। क्या उम्मीद लगा सर, यही को पता नहीं क्या हो जाता है, अनावश्यक बात को लेकर के फिर चलिए, वैसे भी चला गया था, अपने स्टैंड को बरकरार रखा है, नहीं का डिसीजन। तो संयम से बातचीत करने के लिए कहा गया कि आप बात करें, वो तो किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, हमने को कोई कभी असंयमित बात करिए ऐसा नहीं ना होता, संयम से बात करने के लिए तो कोई किसी को सलाह देता है, हर आदमी एक दूसरे से अपेक्षा रखता है कि लोग मर्यादित बात करें, कुछ भी ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा जिस पर बहुत अलग से गौर करने के लिए। सम्राट चौधरी बोले हम पगड़ी तब तक रखेंगे जब तक हम पता नहीं, अब इतना स्टेटमेंट हम लोग कहाँ देख पाते हैं कि किसने क्या बोला, इतना उतनी फुर्सत कहाँ है, बहुत सारा काम है करने के लिए, अब कितना स्टेटमेंट किन किन लोगों का देखने का है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।